Hello everyone, today we would be studying about e-business. E-business basically electronic business का format है, ठीक है? जैसे अपन email बोलते हैं कि mail करना है, information exchange करना through electronic means. जब तक ये पहले introduce नहीं हुआ था, तब तक businesses कैसे हो रहे थे? Traditional system था, manually store की जाती थी पूरी की पूरी data, human resources ज़्यादा लगते थे, labor intensive process था, time taking था, tiring था. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आई उस पर EDI आया. EDI मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे आपके सिस्टम पे और उसको फ्लॉपी के थ्रू या हार्ड डिस्क के थ्रू इंटरचेंज कर सकते थे, किसी और से शेयर कर सकते थे. पर इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्टअप कॉस्ट बहुत हाई थी, क्योंकि आपके सिस्टम्स इनिशियली इंट्रोड्यूस हुए थे तो कॉस्टली थे. तो जो स्मॉलर फॉर्म्स रहती थी जिनके बजट लिमिटेड थे बिजनेस करने के, वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते थे. जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत ही लीस्ट कॉस्ट में कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग आ गया, रियल टाइम में आ गया, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई. उसके बाद ई बिज़नेस की टर्म कॉइन हुई. ई बिज़नेस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वे में बिज़नेस करना, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वे में आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का लगेगा. बेसिकली साइज़ और बजट इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉलर फर्म्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ई बिज़नेस बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ई कॉमर्स, ई प्रोक्योरमेंट, ई कोलैबोरेशन. ई कॉमर्स एज द नेम सजेस्ट, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, जब वो आप इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो ई कॉमर्स कहलाता है. ई प्रोक्योरमेंट जब सप्लायर से आप डील कर रहे हैं या कस्टमर मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर रहे हैं या रिटेलर के साथ डील कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो ई प्रोक्योरमेंट कहलाता है, ठीक है? जैसे आपने अमेज़न की साइट खोली, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, दैट इज़ ई प्रोक्योरमेंट. आपने पेमेंट भी डिजिटली किया आपका कार्ड यूज़ करके, तो ई कॉमर्स का स्टेप हो गया. ई बिज़नेस जो इन तीनों चारों कैटेगरीज को कम्बाइंड करके, जिसमें आप पूरा का पूरा बिज़नेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स से कर पाते हैं. तो जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो आती है ई कोलैबोरेशन. ई कोलैबोरेशन का मतलब रहता है बेसिकली कि बिजनेसेस को, या इवन सेम बिजनेस में अगर अलग अलग टीम्स हैं या टीम मेट्स अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं, तो इनको कोलैबोरेट कर पाना. कोलैबोरेट कर पाना मतलब इंफॉर्मेशन शेयर कर पाना, ताकि अलग अलग जगह से वो प्रॉपरली किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर पाए, वो ई कोलैबोरेशन कहलाता है. नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स. बेनिफिट्स बेसिकली सारे नॉन बेनिफिट्स हैं. टाइम सेव होता है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी है, फास्ट है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है. कॉस्ट सेव होती है, इंटरनेट है तो इसलिए फ्लेक्सिबल है इंफॉर्मेशन. एक क्लिक पे आप कहीं से भी बैठ के किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रैवल फास्ट करती है, इसलिए सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं. एक्यूरेसी ज़्यादा है डेटा की. अगर आपने एक बार सिस्टम में डेटा स्टोर किया तो उसके बाद वहाँ पे सेव रहता है, तो आप पास्ट डेटा को भी इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि वो डेटा कहाँ से आया था, कब स्टोर हुआ था और उसमें क्या क्या दूसरे आगे चेंजेस हुए थे. तो बेसिक बेनिफिट्स रहते हैं टाइम सेविंग, मोर एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल, कॉस्ट सेविंग, एक्यूरेसी, रियल टाइम डेटा एंड ट्रेसेबिलिटी. एक और तरीका है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस बताने का, तीन अलग अलग कैटेगरीज में अपन बताते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, प्रोडक्शन के लिए या ऑपरेशनल टर्म्स में ई बिज़नेस कैसे बेनिफिशियल है, और कस्टमर के लिए कैसे बेनिफिशियल है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोर फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अलग अलग टीम्स हैं, आपका डेटा अगर फास्ट शेयर हो पाएगा, कहीं एक जगह स्टोर होगा जहाँ से हर अलग अलग टीम उसको व्यू कर सकती है और अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर सकती है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स होंगे. एनहांस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट. इन्फॉर्मेशन ईजिली मैनेज हो जाती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रियल एक्यूरेट है, मैनेज हो जाती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग बेटर आती है. डिसीजन मेकिंग बेटर आती है तो बिजनेस इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ में आता है. थर्ड है बेटर एंड फास्टर डिसीजंस. अगेन जो ऊपर कवर किया, इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर पा रहे हैं रियल टाइम में, एक्सेसिबल है, तो डिसीजन मेकिंग आपकी फास्ट होती है. सेकेंड अपन बात करते हैं प्रोडक्शन की या ऑपरेशनल टर्म्स में क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं. सबसे पहले हायर एफिशिएंसी. अगर आज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने कुछ रॉ मटेरियल इशू कराया, तो किसी और प्लांट का जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास इमीडिएटली इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि इतना मटेरियल प्लांट वन के डिपार्टमेंट ने इशू किया है,
या जो आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट है उसके पास भी इमीजिएटली इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी कि इतना मटेरियल इशू हो गया है तो अब एक्चुअली कितना मटेरियल आपके वेयर हाउस में है। क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन फास्ट होता है शेयरिंग का, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ती है। सेकेंड है लीनर वैल्यू चेन। लीनर वैल्यू चेन मतलब जो अपने सप्लाई चेन पड़ी है जिसमें आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स मतलब आपके सप्लायर्स, आपका मैन्युफैक्चरर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, फाइनली एंड कस्टमर्स। इस चेन में जो आपका फ्लो होता है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन का, फाइनेंस का, उसको लीनर वैल्यू चेन से बताया जाता है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन अगर अच्छे से शेयर होगी, फास्ट शेयर होगी, तो जो फ्लो है इनके बीच में वो ज़्यादा बेटर होगा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। क्योंकि फ्लो ज़्यादा बेटर होगा तो आप कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाएंगे। थर्ड है हायर एम्प्लॉय इंगेजमेंट। हायर एम्प्लॉय इंगेजमेंट, आपका जो भी एम्प्लॉय है उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको पता रहता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, कैसे उसको यूज़ करना है, उसको किसी भी जगह से परमिशन लेने की या इन्फॉर्मेशन वो कैसे एक्सेस कर सकता है, या कुछ पास रिकॉर्ड्स चाहिए हो तो कैसे वो यूज़ कर सकता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। अगेन इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर हो रही है, सिस्टम पे स्टोर हो जाती है, तो कॉस्ट जो आपकी रिड्यूस होती है। थर्ड जो आता है जिसकी अपन बात करते हैं वो है कस्टमर, कि कस्टमर के लिए ई बिज़नेस कैसे बेनिफिशियल है। सबसे पहले है मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस तक गुड्स कैसे पहुंचेंगे, उसका प्रॉपर एक फ्लो रहता है ऑर्गेनाइजेशन के पास। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एग्जैक्टली कस्टमर क्या चाहता है ये पता है, तो कस्टमर के लिए ये बेनिफिशियल पॉइंट होता है कि उसकी जो भी पर्टिकुलर नीड है वो सेटिस्फाई होती है। सेकेंड है स्ट्रीमलाइंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। आज आपने अमेज़न पर ऑर्डर प्लेस किया तो कब अराइव होगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें कौन से टैक्सेस लगेंगे, वहाँ से शिपमेंट हो गया है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक क्लिक पे देख सकते हैं। इन शॉर्ट आप ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी किस पॉइंट पे है। थर्ड आता है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इज़ अगेन कस्टमर को पता रहता है कि गुड्स कब आने हैं, अलग अलग साइट्स हैं तो ईजिली कंपेयर कर सकता है अब कि कहाँ से उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसके फीचर्स लिस्ट डाउन हो जाते हैं, तो इसलिए आपको बेटर कस्टमर सर्विस मिलती है। थैंक यू।